किचन के टाइल्स कैसे साफ करें। टाइल्स साफ़ करने का आसान तरीका, टाइल्स साफ़ करने का आसान तरीका, इस बारे में यहाँ कुछ उपयोगी टिप्स दिए गए हैं जो हर गृहिणी को जानने चाहिए। नंबर एक, 2 कप विनेगर 2 कप पानी को मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें। गंदी किचन टाइल्स पर स्प्रे करें और प्लास्टिक या वायर स्क्रब से टाइल्स को घिसें, दाग साफ़ हो जाएंगे। नंबर 2, 2 कप विनेगर 2 कप पानी के मिश्रण के इस्तेमाल करने के बावजूद दाग साफ नहीं हो तो इस मिश्रण में 1/2 कप नींबू का रस भी मिला लें, इससे असरदार परिणाम मिलेगा। टिप्स नंबर 3, बेकिंग सोडा और साधारण पानी से टाइल्स की सफाई बेहद आसानी से हो जाएगी। इसके लिए बेकिंग सोडा और पानी का मिश्रण और टाइल्स की गंदगी वाली जगह पर 15-20 मिनट तक रहने दें, फिर कपड़े से पोंछें, साफ़ कर लें और दाग चले जाएंगे। टिप्स 4, ब्लीचिंग का पानी भी किचन टाइल साफ़ करने के लिए बेहतर विकल्प है। ब्लीचिंग और पानी के मिश्रण को वायर स्क्रबर की मदद से टाइल्स के दाग पर रगड़ने से दाग निकल जाते हैं। ध्यान रहे, ब्लीचिंग का उपयोग करते वक्त हाथ में रबर के दस्ताने ज़रूर पहनें। टिप्स 5, किचन टाइल्स क्लीनिंग के लिए आखिरी उपाय तेजाब यानी एसिड का इस्तेमाल है। हालांकि इसका इस्तेमाल अत्यंत सावधानीपूर्वक जरूरी हो तो ही करना चाहिए। तेजाब के इस्तेमाल का एक साइड इफ़ेक्ट यह है कि इसे टाइल्स की सतह की शाइनिंग ख़राब हो जाती है। टिप्स 6, किचन के फर्श को चमकाने के लिए रोज़ाना गीला पोंछा लगाएं और इसके लिए डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग करें। टिप्स 7, घर में अगर चींटियों का उपद्रव बढ़ गया हो तो पोंछा करने के पानी में 1/2 चम्मच नमक डाल दें, इससे चींटियां दूर रहेंगी। टिप्स नंबर 8, अगर आपके हर रोज़ किचन टाइल्स साफ करने के वक्त नहीं है तो हफ्ते में 1 बार हल्के गर्म पानी से किचन टाइल्स पर पोंछा मार दें, इससे टाइल्स पर जिद्दी दाग नहीं जमते हैं। आशा करते हैं कि किचन की टाइल्स साफ़ कैसे करें, टाइल्स साफ करने का आइडिया आपको पसंद आया होगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।